फेमस बैंगलोर का ट्रैफिक और 60 किलोमीटर क्रॉस करके पहुंच गए हम लोग एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में चेकिंग का प्रोसेस काफी स्मूथ था, सिर्फ हमसे पूछा गया कि लगेज वेट का अंदर है कि नहीं और फिर पहुंच गए हम अंदर। तो सीन भी ऐसा है, हम लोगों का इमिग्रेशन हो चुका है, चेक इन हो चुका है, भूख बहुत तेज लगी थी, हम लोगों ने खाना खा लिया और खाना वाना खा के अभी आ गए हमारे गेट के सामने। तो अभी बज रहा है 9:45, 11 बजे का फ्लाइट है, तो होपफुली अनदर 40-45 मिनट्स में चालू हो जाएगा। तब तक हम लोग अभी यहाँ पर थोड़ा चिल करेंगे। अभी तक तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एंड एक स्पेशल चीज़ है हमारे ब्लॉग में, दैट इज़ हम लोग 7 किलो वाले हैंड बैगेज लेके ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे करना है उसके भी डिटेल्स हम लोग शेयर करेंगे, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड एंड वॉच। सो अभी हम लोगों का बोर्डिंग हो रहा है, इट्स मोर ऑर लेस ऑन टाइम। चलो बोर्ड करते हैं फिर आगे का ट्रैवल दिखाते हैं। और इसी के साथ हम लोगों ने बैंगलोर को कर दिया अलविदा और निकल पड़े बैंकॉक की तरफ। बैंकॉक सिटी ऊपर से रात के टाइम ऐसा ही दिखता है जैसे कि बैंगलोर ही है, लेकिन अंदर आप एयरपोर्ट जब पहुंचोगे वहां का एम्बियंस काफी अलग है। लेस्टर सिटी स्पॉन्सर जॉर्ज क्लूनी ओमेगा। तो अभी हम बैठे हैं बैंकॉक एयरपोर्ट में। बोर्डिंग टाइम अकॉर्डिंग टू बैंकॉक इट्स 5:30, तो अभी बज रहा है 5:20। अभी गेट भी खुल गया है, शायद बोर्डिंग अभी चालू हो जाएगा। तो इस बीच एक छोटा मोटा कांड हो गया, तो प्रॉब्लम वही था, हमको लगा कि जस्ट बिकॉज डॉलर हमारे पास है तो वो शायद सब जगह पे चलेगा, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग मैकडी में गए थे क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगा था और फ्लाइट में भी कुछ खा नहीं पाए, तो मैकडी को गए थे तो वहाँ पे देर इन एक्सेप्ट, तो उसकी वजह से मतलब उनका एक्चुअली USD का आज का स्टॉक खत्म हो चुका था, सो दे कुडंट रिटर्न अस इन USD, तो थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। एंड अनफॉर्चुनेटली हम लोगों के कांच भी नहीं चल रहे थे, आई डोंट नो व्हाई। सो अभी हम लोग का बोर्डिंग चालू हुआ है, तो फॉर्चुनेटली देयर वाज अ लेडी टू हेल्प अस, उन्होंने अपने ऊपर हमारा बिल लिया और हम लोगों ने यहाँ नाम उनका ट्रांसफ़र कर दिया है। एनी हाउ चलो अभी बोर्डिंग का टाइम हो गया है, लेट्स गो। और लंबे 4 घंटे के फ्लाइट के बाद बादलों को चीरते हुए फाइनली हम पहुंच गए एम गुरेराय इंटरनेशनल एयरपोर्ट बाली। तो अभी निकल रहे हैं उबुद के लिए, रास्ते अभी आपको दिख रहे होंगे, प्रिटी क्लीन, नैरो है बट स्मूथ है, क्लीन है। तो अभी उबुद जाने में कभी ऑलमोस्ट लाइक 1-1.5 घंटा के आसपास लग गया और कस्टम में थोड़ा टाइम तो लग गया एक्चुअली, इट्स अप इट डिपेंड्स ऑन योर लक, वो भी सकता है कि आपको ना देखे। अच्छा इमिग्रेशन के बारे में, इट्स अ प्रिटी स्मूथ प्रोसेस कस्टम को छोड़ के, तो बेसिकली यू हैव टू गेट आउट फ्रॉम द फ्लाइट, कम डाउन, एक काउंटर रहेगा वहाँ पे, यू विल हैव टू पे $35 पर हेड
एंड उसके बाद वो लोग आपको स्टिकर दे देंगे, वो स्टिकर लेके आपको जाना पड़ेगा इमिग्रेशन काउंटर पर जो कि उसके जस्ट पीछे है। देन यू डू योर इमिग्रेशन, वो स्टैम्पिंग वहाँ पे होता है, देयर यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग। वहाँ पे स्टैम्पिंग होने के बाद स्टिकर भी लग जाता है वीजा ऑन अराइवल का, एंड देन यू गो फॉर दिस कस्टम डिक्लेरेशन क्यूआर स्कैन। तो वो कस्टम डिक्लेरेशन का जो यूआरएल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप पहले से कर लो, और उसके बाद यू विल जस्ट हैव टू स्कैन द क्यूआर एंड यू आर रेडी टू गो। लेकिन फिर उसके बाद कस्टम्स का ऑफिसर्स होते हैं, वो रैंडम लोगों को पिक कर लेते हैं फॉर चेकिंग। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का नंबर आ गया उसमें, तो उसमें थोड़ा दिक्कत लगा क्योंकि जरूरत से ज्यादा ही कुछ चेकिंग हो रहा था जहाँ पे, मतलब वी हैड वेरी मिनिमल थिंग्स बट स्टिल। भाई एक बैकपैक और एक 7 लीटर 7 केजी वाला ट्रॉली बैग में कितना ही क्या ही आ जाएगा, एंड दैट टू आल्सो अ मेल चेकिंग अ फीमेल्स ट्रॉली, सो व्हिच आई फेल्ट वाज नॉट राइट। एनीवेज इन सारे चीजों के बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, क्या क्या स्ट्रगल हुआ है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। फिलहाल आप बाली एंजॉय कीजिए हमारे साथ, चलिए होटल चलते हैं। बाली वैसे काफी वेल डेकोरेटेड, हर जगह पे आपको ऐसे ब्यूटीफुल स्टैचूज देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ के घर के स्टाइल्स भी मोर और लेस सिमिलर ही है, और रास्ते एकदम क्लीन और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। एयरपोर्ट से हमारा होटल ऑलमोस्ट 1.5 घंटे की दूरी पे था, लेकिन जर्नी वॉज क्वाइट कंफर्टेबल। यहाँ पे छोटे गाड़ी ज्यादा दिखते नहीं है, इवन सेडान्स, सारे ही एक्सेल लेवल के कैब्स है यहाँ पे, और ये कैब्स आर प्रीटी वेल मेंटेन्ड, एंड रास्ते तो आप लोगों ने देख ही लिया है, काफी स्मूथ ही है। भूख काफी लगा था तो इसलिए होटल पहुंच के फटाफट फ्रेश होकर निकल लिए हम लोग लंच करने, और ये है फेमस मी गोरेंग और ये है नासी गोरेंग, और ये सब खाने के बाद हम लोग निकल लिए थोड़ा उबुद मार्केट में, और यहीं से थोड़ा बहुत सुविनियर शॉपिंग करके हम लोगों ने विड्रॉ कर लिया लोकल करेंसी और बंदोबस्त कर लिया एक लोकल सिम का, और साथ में नेक्स्ट डे के लिए हम लोगों ने स्कूटर भी रेंट पे ले लिए, और इसके बाद होटल पहुंच के थोड़ा बहुत रिलैक्स के पूल, और हम लोग चले गए हमारे मोस्ट फेवरेट रेस्टोरेंट इन उबुद एलिमेंट्स में डिनर करने। काफी भूख लगा था, टायर्ड भी थे, तो इसीलिए वी कॉल्ड इट अ नाइट। और जिन लोगों को पता नहीं है कितना ट्रैफिक होता है बाली में, उनके लिए यही है वो क्लिप, देख लीजिए और प्लान अकॉर्डिंगली।